हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज 21 नवंबर को नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का एक और सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सेम फॉर्मेट में हम पहले इवेंट्स देखेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी जी का सेगमेंट और अंत में क्वेश्चन आंसर्स। पहले तो मैं 17 नवंबर के वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने 17 नवंबर वाले वीडियो में सीरियल नंबर 6 पे कहा लिखा नीता अंबानी वाइफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन अनिल अंबानी, बट ये गलत है। मिसेज नीता अंबानी इज़ वाइफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी। सो मैंने कमेंट सेक्शन में उसे अमेंड कर दिया था, सो काइंडली आप भी प्लीज़ रेक्टिफाई कर लें एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट्स स्टडी विद सब्सटेंस। पहला है शिंजो आबे, जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जापान बन गए हैं। उन्होंने 20 नवंबर को 2887 डेज कंप्लीट किए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और इसके पिछला रिकॉर्ड था 2887 डेज का, 2886 डेज का, इन्होंने 2887 डेज करते ही नाउ ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जब ये 2006 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये 52 इयर्स एज के थे और तब ये यंगेस्ट पीएम फॉर जापान बने थे। ये संबंध रखते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोताबाया राजपक्षे ने नॉमिनेट किया है अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंह ने रिज़ाइन कर दिया है। इससे पहले जब महिंद्रा राजपक्षे प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उस समय आज वाले प्रेसिडेंट जो उनके छोटे भाई हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनके अंडर। 2018 में उस समय के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना ने रानिल विक्रम सिंह को रिप्लेस कर दिया था, हटा दिया था और महिंद्रा राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था अपनी ही मर्जी से, जिसका बहुत विरोध हुआ और ये इन्होंने वापस लिया। अगेन रानिल विक्रम सिंह ही प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट इज सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, इन्हें नॉमिनेट किया गया, इन्हें सेलेक्ट किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 के लिए। ये बहुत ही एक नेम्ड नेचुरलिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ को इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये एक सालाना दिया जाने वाला प्राइज़ है जिसे 1986 में शुरू किया गया था और इसको देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट न्यू दिल्ली। 2017 में ये प्राइज़ दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को। 2018 में दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली को। इस प्राइज़ के अंदर 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ और एक साइटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट आई है, जिसमें टॉप किया है माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने। मास्टर कार्ड सीईओ हैं अजय बंगा और ये आए हैं इस लिस्ट में 8th रैंक पे, और अरिस्टा हेड जयश्री उलाल को दिया गया है 18वां रैंक। सो तीन इंडियंस ने इस लिस्ट में अपना नाम एंटर करवाया है फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में, और वो तीनों इंडियंस हैं माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला फर्स्ट, मास्टर कार्ड सीईओ अजय बंगा 8th एंड अरिस्टा हेड जयश्री उलाल 18th रैंक। नेक्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके चेयरमैन हैं श्री मुकेश अंबानी, और इस इंडस्ट्री ने टच किया है 9.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू। पहला इंडियन ब्रांड बन गया है इतनी बड़े लैंडमार्क को टच करने वाला। और 20 नवंबर को वेडनेसडे को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को ओवरटेक करते हुए टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। नाउ इट्स 6th लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया था कुछ दिन पहले ही, उसमें इस कंपनी के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी ने ओवरटेक किया था अलीबाबा ग्रुप, जो चाइना का ग्रुप है, उसके हेड जैक मा को, और अपनी टोटल प्रॉपर्टी 3.92 लाख करोड़, 3.92 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ अब ये हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हम महात्मा गांधी जी के सेगमेंट में आ गए हैं। 1996 के बाद से इंडियन रुपी की जितने भी डिनोमिनेशंस आई हैं, जितने भी करेंसी के नोट्स आए हैं, उन सब पे महात्मा गांधी जी की फोटो है। साउथ अफ्रीका में रहे थे महात्मा गांधी जी 21 ईयर्स, जहाँ से उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। एन अर्न दैट वंस कंटेन महात्मा गांधी जीज ऐश इज नाउ एट अ श्राइन इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। देखिए, अर्न होता है एक कलश, वो कलश जिसमें एक समय में महात्मा गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी, उसे अब एक श्राइन में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रखा गया है।
उनके बहुत सारे एडमायर्स थे, उनके बहुत सारे चाहने वाले थे, और उनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन और हेनरी फोर्ड भी थे। उनकी मृत्यु से एक दिन पहले तक ये कहा जाता है कि वो एक दिन पहले अपनी मृत्यु से ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए। वो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट सिस्टम के एकदम खिलाफ थे। वो लोगों के हाथ में शासन देखना चाहते थे। वो मानते थे कि अगर लोगों के नैतिक मूल्य सही हैं, अगर वो अहिंसक हैं, अहिंसा का सहारा लेते हैं, तो किसी भी सरकार की ज़रूरत नहीं है उन पर राज करने के लिए। लोगों के हाथ में सरकार होनी चाहिए। एट लास्ट हम आ गए हैं रिविज़न क्वेश्चंस पे। शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बिलोंग करते हैं किस पार्टी से? लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक, या नन ऑफ द अबव? सो ऑप्शन सी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इज करेक्ट। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बाय न्यू प्रेजिडेंट? न्यू प्रेजिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने किसे नया प्राइम मिनिस्टर नामित किया है? रानिल विक्रम सिंघे, महिंद्रा राजपक्षा, गोताबाया राजपक्षा, या नन ऑफ द अबव? देखिए, रानिल विक्रम सिंघे तो अभी तक थे प्राइम मिनिस्टर, और गोताबाया राजपक्षा हैं तो हैं प्रेजिडेंट नए, तो उन्होंने नॉमिनेट किया है अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षा को, जो एक समय राष्ट्रपति भी थे। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2017 वॉज गिवन टू, देखिए अभी 17 की बात हो रही है, ये पहले भी 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। और 2017 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था मनमोहन सिंह, CSE, सर डेविड एटनबर्ग, या नन ऑफ द अबव? सो 2017 का दिया गया था मनमोहन सिंह जी को, और 2018 का CSE को, 2019 का सर डेविड एटनबर्ग को। विच इंडियन टॉप्स फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट? इस लिस्ट को किस भारतीय ने टॉप किया है? अजय बंगा, जय शिवलाल, मुकेश अंबानी, या सत्या नादेला? सो माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नादेला ने इसे टॉप किया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बिकम डैश लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब ये टॉप 6 में आ चुकी है, तो इसने 20 नवंबर को, वेडनेसडे को, ब्रिटिश पेट्रोलियम को ओवरटेक किया है, और अब ये टॉप 6 में आ चुकी है। सो थर्ड, फिफ्थ, दिस शुड बी 6 एंड डी 10th, सो इट शुड बी 6th, इधर बी और सी, एनीवन विद 6th। सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बिकम 6th लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें अगर किसी भी इसमें कोई भी गलती आपको मिलती है, आप मैं किसी भी तरीके से गलत बताता हूँ, या इसमें कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो काइंडली कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।